तो मेरे साथ जो है एक बाबा के भक्त हैं जो कि लाइन में लगे हुए हैं। चलिए इनसे जानकारी लेते हैं, कब लाइन में लगे। सुबह 4 बजे 4 बजे भोर में लगे हैं ना। हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। आज है 13 जून गुरुवार और मैं सुबह 5 बजे पहुंच चुका हूं बाबा धाम मंदिर प्रांगण। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रहा बाबा बैद्यनाथ का मंदिर। और अभी यहां पर जो है पूजा चल रहा है अंदर में। उसके बाद जो है कुछ ही देर में बाबा का जो है कपाट सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। अभी आप देख सकते हैं ये निकास द्वार है और यहीं से सब कोई जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूरा अभी फांका आपको देखने में लग रहा हो और पूरा मंदिर प्रांगण अभी इस प्रकार का आपको दिख रहा है। इधर रहा माता काली का मंदिर और जो है पूरे में फांका ही नजर आ रहा है, क्योंकि अभी जो है यहाँ पर कच्चा जल पूजा कर रहा है। उसके बाद यहाँ के पंडा बाबा जी लोग जो है बाबा का पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद सभी श्रद्धालुओं के लिए जो है बाबा का कपाट खोल दिया जाएगा। और अभी मैया पार्वती का मंदिर में पूजा अर्चना प्रारंभ हो चुका है। सभी जो है श्रद्धालुओं के लिए मैया पार्वती के मंदिर का कपाट खुल चुका है। बाबा मंदिर का कपाट कुछ ही देर में खुलेगा। चलिए मैं आपको लाइन दिखाता हूँ किस प्रकार से लोग लाइन में लगकर खड़े हैं। कुछ जो है लोग लाइन में बैठे हुए हैं क्योंकि अब जो है कुछ ही देर में कपाट खुलेगा। और माता जी लोग यहाँ से जो है अगरबत्ती दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं। अभी मैं आपको लाइन दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से सब कोई लाइन में खड़े हैं। और जो है आगे की तरफ भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस प्रकार का लाइन है। ये देखिए जो भी श्रद्धालु बहुत बहुत पहले बैठे लाइन में लगे हुए इस प्रकार से बैठे हुए हैं और इस प्रकार से जो है लाइन में लगकर इंतजार कर रहे हैं कपाट खुलने का। देखिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसा नज़ारा है अभी बाबा धाम के मंदिर प्रांगण का। देखिए सबको इस प्रकार से कतार में खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कब कपाट खुलेगा और वो जाकर बाबा बैद्यनाथ का दर्शन पूजा करेंगे। चलिए मैं आपको और भी अच्छे से दिखाता हूँ मंदिर प्रांगण को। तो मेरे साथ जो है एक बाबा के भक्त हैं जो कि लाइन में लगे हुए हैं। चलिए इनसे जानकारी लेते हैं, कब लाइन में लगे। सुबह 4 बजे 4 बजे भोर में लगे हैं ना। और कहाँ से आए हुए आप? हजारीबाग। कितने जन आए आप लोग? 5 जन आए हुए। 5 जन है, सबको यही है? आगे जो है सबको बैठे हुए है ना। तो देख सकते हैं 5 जन जो है हजारीबाग से आए हुए हैं बाबा के दर्शन के लिए और लाइन में 4 बजे लगे हुए हैं। तो अभी 5 बज चुका, कुछ ही देर में कपाट खुल जाएगा। सरकारी पूजा भी हो चुका है, अभी पंडा बाबा जी लोग पूजा कर रहे हैं। तो चलिए बाबा आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। हर हर महादेव। तो चलिए आपको हमने दिखाया किस प्रकार से जो है भक्त लाइन में कतार में खड़े हैं, कोई कोई बैठे हुए हैं सुबह 4 बजे से लाइन में लगकर। और देख सकते हैं यहाँ पर बैठकर लोग जाप भी कर रहे हैं और पुलिसकर्मी भी अपने ड्यूटी के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। तो कुछ ऐसा अभी नज़ारा है यहाँ का। और देखिए मैं आपको पार्वती मंदिर भी दिखा देता हूँ, देख सकते हैं पार्वती मंदिर में जो है सब कोई अभी सीधे जा रहे हैं, यहीं से जाके माता का दर्शन कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बाहर से ही दिखा रहा हूँ, यहाँ से जूम करेंगे तो माता का जो है आप लोगों को दर्शन भी हो जाए। तो देखिए मैं अब आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये रहा पार्वती मंदिर और यहाँ देखिए माता का दर्शन हमने आपको करा दिया बाहर से ही। इस प्रकार से माता का दर्शन आप लोगों को हो चुका है। तो कॉमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिखें और जय माँ पार्वती भी लिखना ना भूलें कॉमेंट बॉक्स में। तो चलिए जूम आउट करते हैं और आपको अब मंदिर परिसर दिखाते हैं। तो देखिए मंदिर परिसर में भी जो है फूल वगैरह जो बेचते हैं वो भी आ चुके हैं और जो है यहाँ से आप सारा सामान लेकर पूजा अर्चना कर सकेंगे। तो कुछ ऐसा नज़ारा है, जो पुलिसकर्मी है वो लोग भी यहाँ पर जो है फोटो वगैरह क्लिक करा रहे हैं। सब कोई जो है बाबा का दर्शन पूजा कर ही लेते हैं, हर दिन उसके बाद अपने काम में भी लग जाते हैं। तो कुछ ऐसा भी नज़ारा है यहाँ पर, देख सकते हैं सभी पंडा बाबा जी लोग जो है जा रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए और यहाँ से जो है कूप से जल भर कर जाते हैं। जो कूप यहाँ पर मंदिर में है, आप जैसे ही सिंह दरवाजे से अंदर की तरफ जाएंगे तो ये कूप आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं इस प्रकार से सब कोई जल संकल्प करके लाइन में लगने के लिए जा रहे हैं और जो यहाँ के लोकल पंडा बाबा जी लोग हैं उन लोगों के लिए जो है निकास द्वार से ही अभी एंट्री रहता है, वो लोग इधर से ही जाकर जो है बाबा का दर्शन पूजा करते हैं। सिर्फ लोकल पंडा बाबा जी लोगों के लिए जो है ये एंट्री रहता है हर दिन। तो जो है अभी ऐसा कुछ नज़ारा है मंदिर प्रांगण का। अब कुछ ही दिनों में जो है ये पंडाल खुल जाएगा सावन से पहले। तो देख लीजिए मैं आपको अच्छे से दर्शन करा रहा हूँ बाबा बैद्यनाथ धाम का। तो मंदिर प्रांगण आप लोगों को हमने दिखाया, कुछ ऐसा नज़ारा था। तो आज मैं इधर आया हुआ था एक काम से ही, तो मैंने सोचा चलिए सुबह सुबह आप लोगों को बाबा का दर्शन करा देते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि सुबह सुबह आपको बाबा मंदिर का दर्शन कराया, साथ ही कुछ ही दिनों बाद से आपको यहाँ पर सावन मेले की तैयारी का वीडियो देखने को मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों तक शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं और एक नए जानकारी के साथ और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ।